हमारी बात चल रही थी कि सामुद्रिक जलमार्ग विश्व में कौन कौन से सामुद्रिक जलमार्ग हैं तो इसी में हम अगली कड़ी के रूप में बात करते हैं आज स्वेज नहर के विषय में यकीन मानिए मनुष्य का एक हम कह सकते हैं कि बड़ा चमत्कार है और इस चमत्कार के होने के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने एक नई ऊंचाइयां छुई हैं नए रास्ते उसे मिल गए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग देश हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित उन सबके बीच की जो दूरी है उसमें चमत्कारिक रूप से कमी आई है और ये सारा कुछ संभव हो पाया है स्वेज नहर के बनने से या स्वेज नहर मार्ग के निर्माण होने के बाद तो यदि हम बात करें कि स्वेज नहर को बनाया क्यों गया इस मार्ग का निर्माण किस लिए और किसने किया या हम ये कहें कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब आ, इसके पहले हमने बात की थी भूमध्य सागरी हिंद महासागरी मार्ग के विषय में इस मार्ग से जो है वो यात्रा की जाती थी और इसके अलावा जो आपका उत्तमाशा अंतरी मार्ग है इन दो मार्गों के माध्यम से जो है यात्रा की जाती थी कहाँ तक की यात्रा की जाती थी हम यदि भारत में हैं भारत के किसी भी कोने में यदि हम मुंबई में खड़े हैं और हमको जाना है यहाँ से ब्रिटेन तो जब स्वेज नहर मार्ग नहीं बना था उसके पहले की स्थिति देखिए कि या तो हम भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग को अपनाते तो उसमें भी बीच में जो है आपका अफ्रीका और एशिया महाद्वीप ये दोनों जुड़े हुए हैं मतलब भूमध्य सागर अलग था और हिंद महासागर अलग है उन्हें कौन सा रूट अपनाना पड़ता था हमें ब्रिटेन से मुंबई जाना है या मुंबई से हमें ब्रिटेन आना है तो हमें इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके फिर हिंद महासागर के माध्यम से हम भारत के मुंबई तट पर पहुंचते तो सोचिए हम कितनी लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद वहां तक पहुंच पाते थे तो ये बहुत आवश्यकता महसूस की जाने लगी और हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम देखते हैं हमने पिछले जो जितने भी महासागरी मार्ग के विषय में बात की उसमें हमने देखा कि जितने भी मार्ग हैं उन सब से जो ये आपका पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देश क्या करते हैं पूर्वी देशों से जो है वो कच्चा माल आयात करते हैं अपने पास और फिर जो तैयार माल का निर्यात जो है वो सभी देशों को करते हैं विश्व के अन्य सभी देशों को तो सबसे ज़्यादा विकसित और औद्योगिक रूप से हम कहें कि संपन्न राष्ट्र हैं जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो तो इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी इंजीनियरों ने भी सोचा कि भाई कोई एक शॉर्टकट रास्ता जो है वो होना चाहिए शासकों के द्वारा भी ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी क्योंकि इस मैप में मैं फिर से कहूँ कि आप देखिए कितनी लंबी दूरी हम तय करके जाते थे पश्चिमी देशों से पूर्वी पूर्वी एशियाई या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए तो ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि क्यों ना कोई एक शॉर्टकट रास्ता हो जिससे हम इस लंबी दूरी को शॉर्टकट या आ, कम कर सकें तो आप देख पा रहे होंगे फिर लोगों ने सोचा कि ये जो आपका अफ्रीका है और एशिया है ना इसके एक और ये भूमध्य सागर हम देख रहे हैं और भूमध्य सागर के बाद इससे लाल सागर की स्थिति आपको दिख रही है बीच में जो है ये आपका देश है या हम ये कहें कि स्थल भूभाग से ये जुड़ा हुआ है तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भूमध्य सागर और लाल सागर को के बीच एक रास्ता निकाल लें जिससे ये जो लंबा रास्ता है या लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो हमें पार ना करना पड़े और हम इस भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए हिंद महासागर के रास्ते पूर्वी एशियाई एश्या, देशों के पास हम पहुंच पाए तब फिर आ, स्वेज नहर मार्ग का निर्माण किया गया स्वेज नहर आ, जो है वो आपके हम देख पा रहे हैं भूमध्य भूमध्य सागर की जो स्थिति है उस साइड पे आपको पोर्ट दिख रहा है पोर्ट सईद और जो लाल सागर है उस साइड पे आपको दिखेगा पोर्ट स्वेज तो स्वेज नहर जो है या स्वेज नहर मार्ग जो है वो आपके पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और हम ये कहें भूमध्य सागर जो है वो किसका हिस्सा है अटलांटिक महासागर का और लाल सागर जो है वो आपके हिंद महासागर का हिस्सा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ रहा है किन दो सागरों के माध्यम से यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वेज नहर मार्ग जो है वो किन सागरों को मिलाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए भूमध्य सागर और लाल सागर ये दोनों सागरों को ये जोड़ता है अब हम आगे बात करें कि भाई जब आवश्यकता महसूस की जाने लगी तो ये जो है जिम्मा सौंपा गया आपके इंजीनियर फर्डिनेंट डी लैप्स को फर्डिनेंट डी लैप्स जो हैं वो आपके फ्रांस के इंजीनियर थे और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इन दोनों सागरों को जोड़ने के लिए एक मार्ग का निर्माण कीजिए और उनके द्वारा ही ये मार्ग जो है वो इसका स्वेज नहर मार्ग का उनके मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया और हम ये भी देख लेते हैं चूँकि किसी इंजीनियर ने या किसी मनुष्य ने इस नहर मार्ग का निर्माण किया इसलिए ये एक कृत्रिम सामुद्रिक मार्ग है क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है मनुष्य ने इसका निर्माण किया इसलिए इसे हम कृत्रिम सामुद्रिक मार्ग जो है वो कहेंगे अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है ना इसके बनाने की शुरुआत की गई वर्ष जो है लगभग अट्ठारह में इसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद ये लगभग अठारह में 1869 में बनकर पूरा हो गया और इस मार्ग के द्वारा जो है वो यातायात की जाने लगी यातायात की शुरुआत हो गई पहले सिर्फ दिन में ही यात्रा की जाती थी इसके बाद दिन और रात दोनों में इस नहर मार्ग के माध्यम से यातायात होने लगा अब हम बात करते हैं कि इस पर अधिकार किसका है है ना भई मार्ग ने जो बनाया जो भी उसमें लागत आ रही आय जो हो रही है किसका अधिकार है तो पहले तो हम देखते हैं हमने बताया था भी कि फ़्रांस के फर्डिनेंड डी लेप्स ने आ, इंजीनियर जो थे उन्होंने इसका निर्माण किया था उनके मार्गदर्शन में ये निर्माण हुआ था तो उस समय जो है आ, एक कंपनी बनाई गई थी स्वेज कैनॉल कंपनी स्वेज कैनॉल कंपनी और इस स्वेज कैनाल कंपनी को बनाने में जो आ, शेयर था हिस्से हिस्सेदारी की आ, जो हम बात करेंगे तो 50 प्रतिशत फिफ्टी परसेंट शेयर जो है वो फ्रांस का था और 50 परसेंट शेयर जो है वो ब्रिटेन का था तो जब इसका निर्माण हो गया तो चूँकि इसको अपने क्या बोलेंगे अपने अधिकार में ले लिया अंग्रेजों ने क्योंकि उनकी भी हिस्सेदारी थी है ना तो उन्होंने उसे जो है अपने अधिकार में ले लिया और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ये उत्तमाशा अंतरिप मार्ग के माध्यम से जब यात्रा करते थे तो जब ब्रिटेन या अंग्रेज हमारे देश में या पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उन्होंने अपना उपनि अपना उपनिवेश अपना शासन या उसे अपने कब्जे में करने के लिए किया तो वो इस रास्ते से आए थे ठीक है उत्तमाशा अंतरिक मार्ग से अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी थी 50 परसेंट की तो वो उनके अधिकार में आ गया किसके अधिकार में ब्रिटेन के अधिकार में फिर यहीं पर हम देख लेते हैं ये जो नहर है वो आपका मिश्र देश में है ना इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है मिश्र देश में तो भाई ये मिश्र देश से होकर तो गुजर रहा है इतना उसका जो हिस्सा है वो आपके अफ्रीका में पड़ रहा है और कुछ जो है वो एशिया में लेकिन वो मिश्र का ही है अफ्रीका का ही है मिश्र देश तो बात तो ये हो गई कि राजा कहीं और का और शासन कहीं और से चल रही है है ना तब फिर इसका जो अधिकार है वो मिश्र ने अपने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया किसका स्वेज नहर मार्ग का कि भाई अब ये हमारा है हमारे देश में है इसलिए फिर अपने अधिकार में यह राष्ट्रीयकरण करने से ही बात नहीं हो रही है उसे मान्यता भी मिलनी चाहिए थी यूएनओ से संयुक्त राष्ट्र संघ से तो ये प्रक्रिया भी हो गई लगभग 1956 में मिश्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया इस मार्ग का और उसके बाद आ, लगभग आपके 1967 में इसे मान्यता भी मिल गई यूएनओ से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से तो ये हो गई कि वो कैसे बना किसने बनाया किसके अधिकार क्षेत्र में है है ना अब हम बात करते हैं इस नहर के मार्ग में तीन झीलें पड़ती हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मजाला टिमसा और बीटर झील ये तीन झीलें भी यहाँ पर इस नहर मार्ग में मिलती हैं लगभग सौ जलयान जो हैं वो डेली इस मार्ग से गुजरते हैं है ना हाँ यहाँ पर जो जलयान चलते हैं उनकी स्पीड जो है वो बहुत धीमी होती है बहुत धीमी गति से चलते हैं हम बात करें तो लगभग जो है जहाज़ों की जो गति होती है वो 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चलती है तो भैया आप कहेंगे कि इतनी स्लो स्पीड में क्यों चल रही है क्योंकि ये थोड़ी सकरी है और जब इससे कोई जलियान होकर गुजरते हैं तो आ, वो जो आ, अगल बगल का है है ना आजू बाजू का जो हिस्सा है या जो स्थली भूभाग हैं वो उनको कोई क्षति ना हो नुकसान ना हो इसलिए यहाँ पर से जब जलयान गुज़रते हैं तो उनकी गति या स्पीड जो है वो बहुत कम होती है लगभग 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसीलिए कहते हैं कि इस जल मार्ग को पार करने में लगभग 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है कोई भी जलयान इस मार्ग से गुजर रहा है तो ये पूरा नहर मार्ग पार करने में उसे लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई इस नहर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? है ना तो ये हम देख पा रहे हैं इसकी औसत गहराई औसत लंबाई की हम बात करते हैं लंबाई कहीं पर कम ज़्यादा चौड़ाई जो है वो कम ज़्यादा होगी गहराई जो है वो कहीं पर कम कहीं अधिक होगी तो हम औसत रूप में बात करते हैं इसकी लंबाई है लगभग एक किलोमीटर औसत चौड़ाई जो है वो लगभग 60 मीटर है और इसकी औसत गहराई जो है वो लगभग 10 मीटर है इस नहर की चूँकि यहाँ पर का जो क्षेत्र था वो एक समतल भूभाग है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है इस नहर मार्ग के निर्माण में अब हम देख लेते हैं कि इस नहर मार्ग के बनने से किन किन देशों को फायदा हुआ है लाभ पहुंचा है तो हम देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है पूर्वी तो पूरा पूरे जो पूर्वी अफ्रीकी तटीय देश हैं वो अरब प्रायद्वीप के जो देश हो गए आपका पाकिस्तान हो गया हमारा भारत भी शामिल है आ, बर्मा म्यांमार श्रीलंका बांग्लादेश इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सारे जो देश हैं इनको फायदा हुआ है या लाभ पहुंचा है इस नहर मार्ग के बनने से क्योंकि उन्हें इस पश्चिमी यूरोप से इतनी लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़ रही है और जो भी सामान माल का या यात्री का जो परिवहन किया जा रहा है वो आपके इसी स्वेज नहर मार्ग के बनने के बाद एक शॉर्टकट रास्ता जो है वो इन देशों को मिल गया अब हम बात करें भाई कि आ, सबसे ज़्यादा अब यूरोपीय देश की बात करते हैं यूरोपीय देश को भी तो फ़ायदा हुआ है जितने पश्चिमी यूरोपीय देश हैं क्योंकि यहीं से तो आ, उनका कनेक्शन जुड़ गया लेकिन यूरोपीय देश में भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो ब्रिटेन को हुआ है क्योंकि ये जो देश है वो पूरे पूर्वी देशों से कच्चे माल का आयात करता है और अपना निर्यात जो तैयार माल है उसका निर्यात जो है पूरे आपके इन पूर्वी देशों को या विश्व में सभी देशों को ये करता है मतलब उसके लिए बहुत बड़ा बाज़ार मिल गया जिसके लिए शॉर्टकट रास्ता उसने खोज लिया अब ये बात हो गई कि इन्हें किस आ, किन किन देशों को फायदा हुआ इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हम देख सकते हैं कि कितनी दूरी जो है यात्रा की यात्रा में लगने वाले जो समय हैं वो कितना कम हो गया और कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो अलग अलग देशों में कम हो गई तो हम देखते हैं मुंबई से यदि लिवरपूल जाए है ना तो उस मार्ग तुलना में आपकी लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी जो है मुंबई से लिवरपूल के बीच में कम हो गई साथ ही हम लंदन से अगर सिडनी जाते हैं तो लंदन से सिडनी के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई अब बात करते हैं हम ये तो हो गई दूरी की कि भाई यात्रा में लगने वाला समय भी आ, बहुत कम हो गया और यात्रा की जो दूरी है वो भी बहुत कम हो गई अलग अलग देशों के बीच में व्यापार क्या क्या किया जाता है इस नहर मार्ग के माध्यम से तो हम देख रहे हैं जो यूरोप है वो मशीनों का लोहे के जो सामान है या कोयले का जो है निर्यात करता है है ना या इसके माध्यम से इस मार्ग के माध्यम से इन सामानों का व्यापार किया जाता है अब पूर्वी देश जो हैं वो पूर्वी देश से खाद्य पदार्थ और कच्चा माल जो है वो निर्यात किया जाता है यदि हम भारत की बात करें तो भारत से मैगनीज हो गया चाय अभ्रक ये निर्यात किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से हम देखें तो गेहूँ ऊन मांस ये निर्यात किए जाते हैं श्रीलंका की हम बात करेंगे तो वहाँ से चाय और बांग्लादेश से जो है वो जूट का निर्यात किया जाता है इस मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख बंदरगाहों की हम बात कर लें तो जिब्राल्टर है माल्टा है स्वेज है अदन और मुंबई ये प्रमुख बंदरगाह जो हैं इस नहर मार्ग में पड़ते हैं ये हो गई स्वेज नहर मार्ग की बात अब हम आगे देखते हैं पनामा नहर उतना ही महत्व हालांकि जितना महत्व स्वेज नहर मार्ग का है उतना महत्व तो पनामा नहर का नहीं है लेकिन फिर भी इसका बहुत अधिक महत्व है वो क्यों या हम ये कहें कि स्वेज नहर मार्ग की ही भांति पनामा नहर मार्ग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना और कैसे बनाई गई किस लिए बनाई गई तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पनामा नहर की स्थिति आपको देख रही है उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में ये पनामा देश है और यहीं पर के भूखंड को काट कर ये पनामा नहर जो है वो बनाया गया है तो जब ये पनामा नहर नहीं बना था तब संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी तट इनमें इसको भी एक बहुत आ, लंबा मार्ग तय करना पड़ता था या बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती थी सामान के आयात और निर्यात के लिए तो पनामा नहर का जो निर्माण है जब इस नहर का निर्माण किया गया तो ये हम देख रहे हैं किन किन महासागरों को जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर उसके एक तरफ पूर्वी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो प्रशांत महासागर है यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपको यकीन नहीं होगा जब इस मार्ग की आवश्यकता पड़ी है ना खास करके हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी क्योंकि उसे आ, अपने पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच में एक संबंध जो है वो स्थापित करना था तो इसका इसका जो प्रयास है वो लगभग आपके सोलहवीं सदी से इसका प्रयास किया जा रहा था इसे बनाने का लेकिन आ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रयास में आ, एक बार जो है वो लगभग बारह हज़ार श्रमिक जो हैं मारे गए क्योंकि हमने देखा था स्वेज नहर मार्ग की जब हमने बात की थी तो वहाँ की भूमि जो है वो समतल थी यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र है उबड़ खाबड़ भूमि है जिसके कारण इस मार्ग को बनाने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा भाई हमने जो बताया था फर्डिनेंड डी लैप्स फ्रांस के इंजीनियर जिन्होंने स्वेज नहर मार्ग का निर्माण किया उन्हें भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने भी कहा भी कि ठीक है इस नहर मार्ग का हम निर्माण कर देंगे लेकिन वो भी असफल रहे क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा असमतल हम जिसे कहें पर्वतीय भूमि है तो आ, हमने अभी फिर से देखा कि ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है या मैं ये कहूँ कि ये आ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो है वो अलग करता है अब हम देखें कि पनामा नहर का जो अटलांटिक ये अटलांटिक महासागर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कोलोन है और प्रशांत महासागर वाले हिस्से में पनामा है तो इसके निर्माण की जो शुरुआत है वो 1904 में की गई और लगभग 10 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 1914 में इसका निर्माण जो है वो पूरा हो गया कंप्लीट हो गया ये नहर मार्ग जो है अब हम ये देखते हैं कि हमने जो अभी कहा कि भाई प्रशांत महासागर वाले हिस्से में आपका पनामा है और अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में जो कोलोन है इनके बीच की जो लगभग आपकी आठ किलोमीटर की जो भूमि है या क्षेत्र को किसने खरीद लिया था यूएसए ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्योंकि इसी का तो सबसे ज़्यादा फायदा था तो जब उसने उसको खरीदा तो जब नहर बनकर तैयार हो गया तो उसकी उसी का अधिकार जो है वो इस नहर मार्ग में बहुत वर्षों तक रहा बहुत वर्षों तक कहें तो उसके निर्माण 1914 से लेकर लगभग 2000 हज़ार ईस्वी तक उसका अधिकार रहा पचासी एटी फाइव ईयर्स तक वो उसी के अधिकार में रहा उसके बाद फिर उसने ये अधिकार जो है वो पनामा देश को सौंप दिया बोला कि भाई बहुत वर्षों तक हमने इसका रख रखाव किया मेंटेन किया संभाल कर रखा अब ये आपकी जिम्मेदारी है तो इसके बाद से फिर ये पनामा देश के अधिकार में है अब मतलब एक जनवरी 2000 को ये पनामा देश के अधिकार में आ गया अब हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है तो लंबाई है इसकी लगभग 82 किलोमीटर बयासी किलोमीटर है ना उसके बाद हम देखें चौड़ाई जो है वो लगभग 90 मीटर है और गहराई जो है वो इस मार्ग की या इस नहर की जो गहराई है वो लगभग 12 मीटर है काफ़ी महत्वपूर्ण है स्वेज नहर की भांति ही इससे व्यापार जो है आ, वो बहुत आसान हो गया क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देश जो हैं वो इसके तटीय देश जो हैं वो इससे आपस में जुड़ गए अब हम देखते हैं कि पनामा से व्यापार किन किन चीज़ों का व्यापार किया जाता है इस मार्ग से तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका कोयला निर्मित सामग्री है ना और खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तटीय देशों से या पश्चिमी क्षेत्र से आपके जो लकड़ी हैं कागज हो है, टीन है फल हैं इनका परिवहन किया जाता है जापान से हाँ जापान के देश से रेशम का परिवहन होता है निर्यात किया जाता है न्यूजीलैंड से पनीर मक्खन भेड़ का मांस ये सारी चीज़ें चिली से शोरा का और बोलीविया से जो है वो चांदी का निर्यात या परिवहन जो है वो किया जाता है तो ये हो गई इसके व्यापार की बात अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी जो और कुछ महत्वपूर्ण बात है पनामा नहर की वो देख लेते हैं इसमें कुछ लॉक सिस्टम बनाए गए हैं पनामा नहर में अभी हमने कहा था कि ये भूमि जो है यहाँ की बहुत उबड़ खाबड़ है असमतल है तो इसलिए कुछ जलबंधक या लॉक सिस्टम जो है बनाए गए हैं इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर जल जलबंधक जो हैं जल जलबंधक के द्वारा तीन जगह जो है वो फाटक का निर्माण किया गया है गेट बनाए गए हैं तो आप इस पिक्चर से इसको समझ भी सकते हैं कि ये फाटक जो है या जो लॉक सिस्टम है वो कैसे काम करता है हमने भी बात की थी कि यहाँ पर की जो भूमि है वो पर्वती है तो क्या होता है जैसे ही कोई जलयान यहाँ से गुज़र रहा है तो अगर सतह या हम ये कहें वहाँ पर कि धरातली सतह थोड़ी उठी हुई है ऊपर है तो जलयान उससे टकराता है इससे क्षतिग्रस्त हो सकता है तो इसलिए क्या किया गया कि यहाँ पर कुछ लॉक सिस्टम या जलबंधक बनाए गए जैसे कि यहाँ पर तीन फाटक हैं यदि हम अटलांटिक महासागर की तरफ से देखें तो गातून है उसके बाद पेड्रोमिटक है और उसके बाद फिर प्रशांत महासागर की तरफ मीरा फ्लोर्स है ना तीन जो हैं वो यहाँ पर फाटक बनाए गए हैं तो जैसे जलयान यहाँ से अंदर घुसा घुसने के बाद आ, अगला फाटक को वहाँ पर लॉक कर दिया गया बंद कर दिया गया और जहाँ से वो अंदर आया वो भी फाटक जो है वो बंद कर दिया गया और वहाँ पर उस एरिया में पानी का जो है आ, प्रवाह और भरा जाएगा पानी भराव किया जाएगा जल भराव किया जाएगा जिससे क्या होगा वहाँ पर जल की सतह जो है वो ऊपर आ जाएगी लॉक है दोनों तरफ से फाटक बंद है और अगर हम वहाँ पर जल भराव करेंगे तो पानी की सतह जो है वो ऊपर आ, आ जाएगी और वो जल कहाँ से भरा जाएगा कहाँ से लाया जाएगा वहाँ पर जो पास में स्थित झील है है ना फिर वो सतह ऊपर हो गई सतह के ऊपर होने के बाद वो जलयान ऊपर आ गया फिर ऊपर आया फाटक खोल दिया गया और वहाँ से उसको क्रॉस करा दिया गया ऐसे ही हर हर फाटक में आ, किया जाता है और उसके लिए लॉक सिस्टम जो है वो बनाया गया है और आप इसे इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि इस मार्ग के बनने से पनामा नहर मार्ग के बनने से दूरी जो है वो कितनी कम हो गई कितना फ़ायदा हुआ सभी देशों को इसे हम इस डिस्टेंस से समझ सकते हैं जैसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तटीय देश जो है वहाँ से सन फ्रांसिस्को पश्चिमी तटीय देश की जो दूरी है वो लगभग तेरह हजार किलोमीटर कम हो गई ऐसे ही न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क से आपके सिडनी की जो दूरी है वो लगभग पैंसठ सौ किलोमीटर कम हो गई और वहीं न्यू आर्लियंस से सन फ्रांसिस्को की दूरी जो है वो लगभग नौ हजार किलोमीटर जो है वो कम हो गई और हम ये देखें न्यूयॉर्क से वालपरेजो न्यूयॉर्क से वालपेरेजो जो दक्षिणी अमेरिका के चिली का जो क्षेत्र है वहाँ पर की जो दूरी है वो लगभग छः किलोमीटर कम हो गई और सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि यहाँ से किसको सबसे अधिक फ़ायदा हुआ तो हम देख ही रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक फ़ायदा हुआ और इसके साथ साथ जिन जिन देशों के बीच की दूरी इस नहर नहर मार्ग के बन जाने से दूरी जो है वो कम हो गई तो वो सभी देशों को इनका फायदा हुआ या हम ये कहें कि जो आपका स्वेज नहर मार्ग और पनामा नहर मार्ग जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को में जो डिस्टेंस या समय की बचत करके एक नया आयाम जो है वो दिया है तो ये हो गई आ, समुद्री मार्गों की बात जिसमें हमने स्वेज नहर और पनामा नहर जो कृत्रिम नहर मार्ग है उनकी बात की अब हम इन दो नहर मार्गों की तुलना कर लेते हैं कई बार आपसे बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है चूँकि ये दोनों ही नहर मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है इनसे लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग प्रश्न बनने के साथ ही इसमें इन दोनों की तुलना भी आपसे पूछी जा सकती है तो आइए अब हम इन दोनों नहर मार्गों की तुलना कर लेते हैं